अभी हम लोगों ने यहाँ पे कद्दू की फसल लगाई है, तो एक कद्दू के फसल में ही दूसरी बिना लैंड प्रिपरेशन किए बिना हम दूसरी पैदावार इसमें लेते हैं, तो उसमें हम लोगों का गणित इसमें बहुत बेहतरीन फाइनेंशियल रूप में बैठता है। हम लोगों ने 18-18 कद्दू लगाया, इसका बीज हमारा घर पे, इसमें पानी 15-15 फीट पे 2 लाइनों की दूरी रखी है और बीजों की दूरी 3-3 फीट पर रखी है। इसमें हम लोगों ने 15 फीट दूरी रखने से पानी बहुत कम लगता है, इसमें एक कम से कम पानी में ये फसल के लिए है। तो इस फसल में हमको इंटरक्रॉपिंग करना है। हमने 15 अप्रैल को ये फसल लगाई, अब हम लोग आज 7 जून है, 7 जून को हम लोग इसमें इंटरक्रॉपिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें हम अरहर की एक लाइन देंगे, उसके लिए हम लोग इसकी बेड बना रहे हैं। तो अभी ये जब बेड सेंटर में बनेगा, ये सेंटर में हम तुअर लगाएंगे, वो तुअर के बीच जब कद्दू निकल जाएगा तो इसका मल्चिंग पूरा तुअर को कर देंगे। तो तुअर का दूरी 15 फीट हो गई, अब 15 फीट दूरी जब कद्दू निकल जाएगा तो इसके बीच में हम धनिया बोते हैं, तो उससे के वजह से क्या होता है, वहाँ एक माइक्रो क्लाइमेट तैयार हो जाता है। अक्टूबर हीट में धनिया का जर्मिनेशन नहीं होता, लेकिन ये तुअर की वजह से उसका जर्मिनेशन होता है और उसके दाम 50 रुपये किलो से लेकर 80 रुपये किलो तक के दाम मिलते हैं। तो पहला क्रॉप है हमारा ये इसका कद्दू का। फिर अभी हम लोग 7 जून को यहाँ पे लगा रहे हैं तुअर। इसका एक तरीका और है पैदावार बढ़ाने का, 15 मई को अगर थैलियों में इसकी नर्सरी बना ली जाए तो वो पौध जब तक इतने बड़े हो जाते हैं, जब मानसून आता है उसको वहाँ पे थैलियों को बो देते हैं तो उसकी पैदावार और भी ज़्यादा मिलती है। तो इसका वो भी एक तरीका है बोने का। अभी हम लोगों ने चूँकि थैलियाँ नहीं बनाई तो डायरेक्ट इसमें सीड सोइंग करेंगे, तो इसके बेड़ ऐसे बनाते हैं, ये इसके बेड़ बन रहे हैं। हम लोगों ने पूरी फर्टाइल मिट्टी को एक जगह कर दिया और इसी में अब ऐसे 4 बीज लगेंगे, हर 1.5 फीट के ऊपर 4 बीज लगेंगे इस तरह से। अब इसमें पूरी तुअर की सोई होगी, तो वो तुअर का क्रॉप हमको एक उसमें जो लैंड प्रिपरेशन का 2000 खर्च आता है वो खर्च हमारा इसमें नहीं आया, तो हमारा 0 कॉस्ट में ये तुअर की प्लानिंग होगी। अब ये तुअर की वजह से जो अक्टूबर हीट होती है उसमें जर्मिनेशन धनिया का नहीं होता है, वो धनिया का जर्मिनेशन होगा, तो हम इसमें सितंबर लास्ट में या अक्टूबर में इसमें धनिया बो देंगे और उसका मल्चिंग पूरा यहाँ पे इन नालियों में कर देते हैं तो इसको सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर जो धनिया की सिंचाई करते हैं उसकी नमी से अरहर की बेहद उपज मिलती है हमको इसमें। इस तरह से ये एक हमारा एक दूसरा पैटर्न है कि कद्दू में अरहर के बाद धनिया, ऐसा ही पैटर्न करता है।